कितनी घटिया और बदतमीज इंसान है। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसी घटनाएं होगी तो उसको आराम से रफा दफा कर देना। इन नन्ना मर्दों को तो सीधे गोली मार देना चाहिए, जहाँ पाए जहाँ मिले उन लोगों को वहीं जान मार देना चाहिए। जी। नमस्कार, मैं संतोष और आप लोग देख रहे हैं नोखिया स्टोरी न्यूज। और एक मणिपुर का घटना सामने आया जो कि देश दुनिया का सर नीचे हो गया। आप लोग भी वीडियो देखेंगे तो उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भोजपुरी एंड मगी के जाने माने एक्ट्रेस पल्लवी सिंह है। तो इनसे आज महिला होने के नाते मेरा सवाल रहेगा, क्या मैम आप उस वीडियो को देखे हैं जो मणिपुर का वीडियो सामने आया है? बिल्कुल देखा है मैंने। जी, देखने के बाद क्या फील हुआ मैम? आप भी एक एक्टर होने के नाते महिला हैं, क्या फील आप किए थे? देखिए, इस फील को तो हम बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या फील हुआ, लेकिन इतनी शर्मनाक बात है जी कि मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। जी जी जी, तमाम हमारे देश में यही मुद्दा चल रहा है, पूरा तमाम महिला हो या पुरुष हो, मतलब सर में मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे वहाँ के लोग बेशर्म है कि किसी महिला के साथ ऐसी हरकतें हो रहा है और इतने सारे लोगों के बीच में उस मतलब उसका कोई सपोर्ट नहीं करने गया, उसका साथ देने कोई नहीं गया। जी, ये 4 मई का वीडियो था लेकिन वहाँ पर नेट बंद था जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल नहीं हुआ। अब वीडियो वायरल हुआ तब हमारे देश का जो भी कानून कहा जाना, मतलब नेट क्यों बंद था? वहाँ पर 2 गुटों में विवाद छिड़ गया था, पूरा हो गया था, इसके वजह से नेट बंद था। इन नाम मर्दों का ये तरीका है क्या किसी औरत के साथ ऐसा बदला लेने का? जी जी जी। और वहाँ तो सबसे बड़ा वहाँ का तो प्रशासन है, सबसे घटिया वहाँ का प्रशासन है। प्रशासन ने खुद 2 महिलाओं के उस भीड़ को मैं भीड़ में सौंप दिया कि लो जो करना है करो, इस प्रकार का। तो मैं क्या बोलूँ ऐसे प्रशासन के, हमारे सामने तो मिल जाए तो मैं जूता क्या, मैं तो जान मार दूँ, मैं तो मर्डर कर दूँ उसका, बेशक जेल में रहूँ मैं। ये मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन में मिला हुआ था और किसी महिला को इतने सारे मर्दों के बीच में सौंप दिया गया कि आपको जो हरकतें करना है आप कीजिए, कितनी घटिया वहाँ के प्रशासन है, उस पर तो थू आती है मुझे, घिन आता है मुझे ऐसे प्रशासन में। हमारे UPBR की बात रहती तो प्रशासन को भी सब जान मार देते पब्लिक। जी, और उस लड़की का भाई एक 21 साल की महिला थी और एक 42 साल की महिला को नंगा मतलब पब्लिक खेत खरियान में ले जाते हैं, प्लस में प्राइवेट पार्टों में, मतलब जो भी कहा जाना कम पड़ जाएगा, और साथ में गैंग रेप करते हैं। और उस चीज़ को देख करके उस लड़की का, उस महिलाओं का भाई बचाने का कोशिश करते हैं तो उस भीड़ के द्वारा उसके भाई को भी मार दिया जाता है, जान से मार दिया। जी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरा तो खुद मन कर रहा है कि मैं उठ के चली जाऊँ वहाँ पे। जी, और क्या ही बोलूँ मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। और वहाँ के CM से बात हुई है क्या? मतलब CM बोलते हैं, CM बोलते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हमारे थाने में है, पड़े हैं हजारों पड़ा है घटना। कितनी घटिया और बदतमीज इंसान है, तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसी घटनाएं होगी तो उसको आराम से रफा दफा कर देना केस को, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे केस है। मैं तो ऐसा पहली बार ऐसा केस सुन रही हूँ कि किसी औरत के साथ ऐसा किया गया है, 1000 पब्लिक के बीच में उसको नंगा घुमाया गया है, और तुम साले चूतिया बोलते हो कि मतलब ये हजारों केस है इसके जैसा तुम्हारे पास। सोचिए ना कि कितने घटिया है वहाँ के लोग, जब जहाँ का प्रशासन इतना घटिया है, जहाँ का सरकार इतना घटिया है, हम उससे उम्मीद और कर ही क्या सकते हैं। जी, और हमारे देश का राष्ट्रपति भी एक महिला है तो क्या महिला होने के नाते उनका क्या फर्ज बनता है? उनका ये फर्ज बनता है कि ये सब जो चीजें हुए उस पे रोक लगाइए। आज हुआ, आज उसको देखिए, अगर उसके लिए हम एक्शन नहीं लेंगे या सब लोग मिलकर एक्शन नहीं लेगा तो उस इंसान के लिए बढ़ावा होगा। और उस इंसान के लिए ही नहीं, उस इंसान के जैसे घटिया लोगों के लिए ये बढ़ावा होगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा कांड कर दिया और मुझे कुछ मिला ही नहीं, मतलब मेरे को सजा ही नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को तो बढ़ावा हुआ ना। फिर वो डरेंगे क्यों? वो कल मेरे साथ हुआ, कल उनके साथ होगा, कल किसी के साथ भी होगा। हम लोग भी आधी रात को शूट करके इधर उधर आते जाते, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और रात तो छोड़िए, ये तो दिन का घटना है ना। हाँ, दिन का, ये तो दिन का घटना है। और कितनी मतलब क्या बोलूं, वहाँ का लोग कितना थू आता है उन लोगों पे कि वहाँ का मनावता मर गया है वहाँ के लोगों में, कि मतलब इतनी शर्मनाक, मतलब खुद वहाँ की एक औरत है, सबके घर में बहन बेटी होगी और सब पैदा एक औरत से ही हुआ होगा, तब उनका ये दशा है। तो ऐसे नामर्दों को तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी, और जो वहाँ के पब्लिक थे, अपराधी थे, उसमें से कुछ ही लोगों का गिरफ्तारी हुआ, लेकिन आप एक महिला होने के नाते, मैं एक महिला होने की वजह से नहीं, वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो सब गलत है। जी, वहाँ पे जितने लोग मौजूद है वो सब गलत है, क्योंकि सबके सहयोग से ये घटना हुआ। जी, तो सबके सहयोग से ये घटना हुआ है, तो उस पर एक एक घर में घुस के कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तो आप क्या, आपका हिसाब से क्या उन अपराधियों को क्या सजा होना चाहिए? उन लोग को सजा ही नहीं होना चाहिए। अब हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि उनकी बहन बेटी के साथ हो, क्योंकि वो भी एक औरत है, उनकी क्या गलती है। जी, जी, जी। लेकिन इन नामर्दों को तो सीधे गोली मार देना चाहिए, जहाँ पाए जहाँ मिले उन लोगों को वहीं जान मार देना चाहिए। जी, जी।
और बिहार में अगर ऐसा मान लिया जाए, मैं मान ही नहीं सकती, हमारे बिहार में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे बिहार में नो डाउट 20% लोग गलत है, लेकिन हमारे बिहार में 80% लोग इतने अच्छे हैं कि एक रोड चलती लड़कियों का कमेंट भी कर रहे, अगर लड़की आवाज़ उठाती है तो 10 लोग लड़की के पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बदतमीजे हमारे यूपी बिहार झारखंड में नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक महिला होने के नाते भोजपुरी के जाने माने एक्ट्रेस पल्लवी सिंह ने अपना राय रखा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।